इस बात पे आज चर्चा करेंगे कि कोरोना को एक ना एक दिन हम सब हरा देंगे और उसके बाद जो कोरोना का इफेक्ट है वो कैसा होगा और इन सब चीजों से हम सब कैसे निपटेंगे। आज यही सारी चीजें डिस्कस होंगी सतीश उपाध्याय जी से, जो बस हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे कि उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ इंदु जी, आप बताएं। नमस्कार, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बार बार कोरोना के लिए कहा गया कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जब तक बहुत जरूरी हो तब तक ना निकलें। ऐसे में समाज के लिए या मुझे कुछ करना है बाहर जाके, तो ये जो ख्याल है अब, क्योंकि हम सबके मन में ख्याल बड़े आते हैं, ख्याली पुलाव भी पकते हैं, मन करता है कि हम भी जाके सेवा करें, लेकिन घर से बाहर जो पहला कदम है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो कोरोना के मुश्किल टाइम में आपने वो कैसे निकाला? देखिए, अगर ये प्रेरणा लेनी हो और ये उदाहरण लेना हो तो वो हजारों सफाई कर्मचारी, वो हजारों नर्सेस, वो हजारों डॉक्टर, वो हजारों पीछे रहने वाले अस्पताल के लोग, वो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग, वो असेंशियल सर्विसेज करने वाले लोग जो हम तक सब कुछ पहुंचाते हैं, तो अगर उनसे प्रेरणा लेनी हो, और काम तो सब कुछ करना ही है, लेकिन जनसामान्य को निश्चित रूप से घर में अंदर रहना ही है, लेकिन एहतियात, सावधानी और सतर्कता के साथ। अगर हम सब कुछ घर में बंद हो जाएगा और लोग सेवा नहीं करेंगे तो फिर लोग जिंदा कैसे रहेंगे? और इसलिए ये कोरोना वॉरियर की जो भूमिका है वो किसी ना किसी को तो निभानी है। लेकिन ये बात सही है कि इस बात का ध्यान रखना है कि हम पूरी तरह से, हमने ग्लव्स पहने हैं कि नहीं पहने, हमने मास्क लगाया कि नहीं लगाया, हमने निश्चित दूरी रखी कि नहीं रखी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सेवा के कार्य जरूरी हैं, और अगर ये सेवा नहीं करेंगे तो लोगों तक हम पहुंचेंगे कैसे? वरना लोग घरों में ही सिमट कर रह जाएंगे और उनको हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो सतीश उपाध्याय जी, जब आप निकले और वो जो बहुत अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि रिलैक्स है, लेकिन वो बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था हम सबके लिए। हम लोग तो सिर्फ घर में बैठे सुनते थे या फिर किसी से जानते थे, लेकिन फील्ड में जाकर के देखना वो सारी की सारी चीजें, वो क्या मतलब पूरा अनुभव कैसा रहा आपका? अब इंदु जी, मैं कह सकता हूं कि बात 14-15 अप्रैल की है, जब पूरी तरह से पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, और सुनने में आ रहा था कि गांव के अंदर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। और तब तक एहसास ही नहीं हुआ कि पूरे 10 दिन में शायद एक प्रलय जैसा माहौल हमने पूरे देश में देखा। और उस समय ही हम टाइमली हमने एक्ट किया, और कुछ मित्रों ने बात की कि हमको कुछ करना चाहिए, अपनी भूमिका निर्वाह करनी चाहिए। और एकदम ध्यान में आया कि एक एक घर के अंदर अगर चारों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, घर की महिला कोरोना से पीड़ित है, घर की बेटियां कोरोना से पीड़ित हैं, तो घर का सिस्टम घर के अंदर ही है सब। ना वो खाना बनाने के लिए सक्षम है, बुखार उनको तेज है, बीमार है, तो ऐसे में तो सेवा करना बनता है। तो हमने ध्यान में आया, मेरे मित्र थे विक्रम मित्तल, मेरे मित्र थे सुरेश शर्मा, मेरे मित्र थे गोपाल जी, ऐसे तमाम नाम है, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किस लोग थे। और हम लोगों ने किचन स्टार्ट किया, लाजपत नगर, गेटा कैलाश, द्वारिका, चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, जनकपुरी, और यहां से हम लोगों ने कोविड पेशेंट की डिटेल मंगवानी शुरू की, और उनको दोपहर में और रात्रि का भोजन देना हमने प्रारंभ किया। और हम किसी जी से टच नहीं करते थे। मेरे ऐसे वॉलंटियर्स थे, मैं जिनके नाम अगर लूं, कि जिन्होंने फेस शीट लगा करके घर के बाहर उनको बेल करके, फोन करके उनको भोजन दे करके आते थे, और शायद उसके कारण से उनको एक छोटा सा संबल, एक छोटी सी सेवा हम कर पाए और उसका लाभ उनको मिला। मैं तो मुख्यतः घर से ही सारा कोऑर्डिनेट कर रहा था, क्योंकि फिर बाद में धीरे धीरे खाने से दवाइयों तक चला गया, खाने से ये अस्पताल के एडमिशन तक चला गया, खाने से ये ऑक्सीजन सिलेंडर पर आ गया, ऑक्सीजन सिलेंडर से तरह तरह की जरूरतें बढ़ती गई, और मास्क है, सैनिटाइजर है, जीवन को बचाने वाली दवाइयां हैं, ये सारी लोगों की डिमांड हमारे पास आने लगी। हमारा एक ट्विटर ग्रुप है जिसमें लगभग 250 के आसपास लोग हैं, और बस जी लोग हम करते गए। और ऐसा मैं जानता हूं, मेरे सहित ऐसे बहुत सारे मेरे साथी हैं जो हम सुबह 8 बजे स्टार्ट होते थे, 7 बजे स्टार्ट होते थे,
और रात के 1 बजे तक हम होश ही नहीं होता था हमको कि हम क्या कर रहे हैं। एक ऐसा जुनून, एक ऐसा मन में एक भाव था कि हम जो भी हम कर सकते हैं, बहुत लोगों को हम अस्पताल में एडमिशन करा पाए, बहुत लोगों को नहीं करा पाए, बहुत लोगों को काउंसलिंग करा पाए। एक फियर साइकोसिस, एक डर, एक भय, ये वातावरण लोगों के मन में था। तो लोगों को डॉक्टर्स की भी हमने परामर्श, दो डॉक्टर्स को हमने ऑनलाइन लिया, तो जितना हमसे बन पड़ा वो हम करने का प्रयास करते रहे। और हमने ये किचन जो है वो 23 तारीख तक हमने 18,500 जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको हम भोजन दे सके। 23 तारीख को ये किचन हमने अपनी बंद की और 31 तारीख तक अब हम लोगों को ड्राई राशन दे रहे हैं और एक टाइम का भोजन सार्वजनिक जगह पर दे रहे हैं। 15,000 किलो से ज्यादा राशन, ड्राई राशन अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास है कि दिल्ली के बाहर भी ये सेवा है आपकी? नहीं, इसमें ऐसा हुआ कि हमारे अलग अलग अनुभव आते रहे। बीच में हमको अनुभव आया कि बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, शमशान घाटों पर लाइन लग गई थी, और उसमें हमने कोशिश की दिल्ली के अंदर भी कि जो ऐसे असहाय लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फाइनेंशियली पैसा नहीं है, तो पहले तो हमने दिल्ली से प्रारंभ किया कि दिल्ली के निगमबोध घाट और बाकी जगह हमने कुछ आर्थिक सहायता पहुंचाई कि जो भी ऐसे लोग आए जिनको हम नहीं जानते उनको किसी प्रकार का अंतिम संस्कार में दिक्कत ना आए। एक दिन सुबह में बैठा हुआ था, आज से 15 दिन पहले, तो मेरे एक मित्र है नवनीत, वो जी टीवी में है, उनका मुझे अयोध्या से फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ मदद कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बताइए क्या क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम तो इतनी दूर हैं। बोले यहाँ पर 200-250 शव एक दिन में बैकुंठ घाट पर आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप, बहुत सारे ऐसे गरीब गांव किसान के लोग हैं जिनके पास अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक पैसा जरूरतें नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। तो यहां से शुरुआत हुई और हमने वहां पर 200 क्विंटल लकड़ी और जो हम कर सकते थे, फिर वहां पर हमने राशन की व्यवस्था की, वहां हमने ऑक्सीमीटर की व्यवस्था की, वहां हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था हमने भेजी, वहां पीपी कोट हमने भेजे, वहां दवाइयां भेजने का काम किया, वहां काढ़ा भेजने का काम किया और अयोध्या में राशन की व्यवस्था हमने करके और वहां के प्रशासन का सहयोग भी हमको मिला, तो आज 15 दिन से वो वहां सेवा चल रही है। इसी प्रकार से भदोई काशी क्षेत्र में, वहां भी हमारे मित्र हैं डॉक्टर अजय शुक्ला, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ पर कर सकते हैं क्या, हमको यहाँ जरूरत है, यहाँ पर 8 घाट हैं। तो वहां भी जिस तरह से हमने अयोध्या में किया, वहां हमने उनको सारा सामान भेजा, उनको हमने सारी जो जरूरत की चीजें थी, क्योंकि वहां ग्रामीण इलाकों में देखा कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा सक्षम नहीं है और इतनी जरूरत भी नहीं पड़ी लोगों को, लोग केंद्र पर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर हमने विशेष करके पीपी किट से लेकर पीपी कोट हमने भेजे, वहां थर्मामीटर भेजे, वहां ऑक्सीमीटर भेजे, वहां काढ़ा भेजा, वहां पर मास्क भेजा, वहां पर ग्लव्स भेजे, फेस शील्ड भेजे, ये सारा सामान हमने वहां पर भेजा और वहां भी पिछले 12-13 दिन से ये सारा का सारा काम, अंतिम संस्कार की सेवा वो भी वहां पर हमने भेजी। फिर हमने जूम मीटिंग से इन सबको हमने एक बार कि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे हमने 5 जूम मीटिंग की, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा जितना भी हम सहायता कर सकते थे वो हम कर पाए हैं। और आज ही हमको 2 दिन पहले उत्तरांचल से भी ऐसी एक मांग हुई कि हमको उत्तरांचल में, क्योंकि उत्तरांचल में रिमोट एरियाज हैं, कहीं कहीं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, तो वहां पर इन चीजों की आवश्यकता बहुत है। तो आज ही हमने एक बड़ा कंसाइनमेंट वहां पर ये सभी चीजों का, जो जरूरत की चीजें हैं, जो नाम मैंने लिए हैं, ऑक्सीमीटर से लेकर थर्मामीटर से लेकर काढ़ा इत्यादि जो भी हम भेज सकते थे, फेस शील्ड, फेस मास्क, पीपी किट, सब सामान हमने वहां भेजा है। तो अपनी कोशिश है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने उन सब लोगों का। 10-15 दिन तो हम ऐसे ही करते रहे लेकिन लोगों ने जरूरत से ज्यादा आगे आकर के समाज में जो अपनी भूमिका है उसका निर्वाह किया है। लोग हमको हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो लोगों ने इसका नाम एक कोविड ग्रुप के नाम से रख दिया और एक टीम सतीश उपाध्याय उन्होंने बना दी, क्योंकि कोई ना कोई एक चाहिए था इसको लीड करने के लिए। हालांकि मैं कभी व्यक्तिगत नाम को बहुत अच्छा लगता नहीं है मुझे, लेकिन मजबूरी थी तो लोगों ने इसको हमको कोविड एक्शन ग्रुप बना दिया और इसके माध्यम से आज हम काफी काम कर रहे हैं। हमारी विचारधारा सेवा ही संगठन है, ये हमारा मूल ध्येय है
और इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो अभी तो ये जैसे अभी लग रहा है कि थोड़ी सी शांति है, अब मालूम नहीं कि तूफान से पहले वाली शांति है या तूफान के बाद वाली शांति है। तो आफ्टर कोरोना इफेक्ट जो है उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ प्लान किया है? नहीं, अभी देखिए कोरोना तो अब समाप्त हो जाएगा और निश्चित रूप से कोरोना को जाना ही है, थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन जो एक प्रलय जैसी स्थिति थी, जो भयंकर स्थिति थी, उसमें निश्चित रूप से बहुत सुधार हुआ है। सरकारों ने उसमें काम किया है, केंद्र सरकार ने बहुत काम किया, राज्य सरकारों ने भी मिलकर के काम किया होगा, और ये समय राजनीति का नहीं है लेकिन चीजों को ठीक करने का है। लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना के बाद की स्थिति को संभालना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही है कि अगर तूफान आ जाए, ये ऐसे ही है अगर बाढ़ आ जाए, और तो फिर घरों को बनाना, घरों को संभालना, लोगों की मनोस्थिति को संभालना, लोगों के कामकाज को संभालना, उनके घर को बनाना, ये बहुत जरूरी है। इसमें हमारे को तीन चार काम जो इस समय दिखाई देते हैं। एक तो है कि हमको अब रिहैबिलिटेशन की मदद कर सकते हैं, क्या हम फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, क्या हम काम के आधार पर मदद कर सकते हैं, क्या उनको हम कुछ गाइड कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे भी ऐसे हैं कि जी इस तूफान के अंदर, इस महामारी के अंदर दोनों पेरेंट्स ही नहीं हैं। अब बच्चे 5वीं क्लास में हैं, 6वीं क्लास में हैं, और दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा, और वो कैसे समाज के अभिन्न अंग बन के वो ग्रेजुएशन तक अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, ये प्रयास भी हमने किया है। और मैं फक्र से कहता हूं कि जब मैं फोन पे बात कर रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि ये काम आप मुझे दे दीजिए, और उन्होंने उसी दिन से उस काम को लिया। बच्ची, दो बच्चियों को वो पहले से इस काम में लगी हुई थी, लेकिन अभी एक बच्ची को उन्होंने पूरी तरह से, हम ये कह सकते हैं कि उसकी चिंता, उसकी पढ़ाई, उसको आगे करना, और ऐसे जितने भी बच्चे आएंगे, हम छोटे से प्रयास से इसको आगे कर रहे हैं, तो इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ही काउंसलिंग एक बड़ा काम है। हाँ, लोगों के अंदर काउंसलिंग। एक फियर साइकोसिस है, लोगों को डर लगता है, लोगों को अगर जरा सा बुखार आ जाए तो वो ऑक्सीजन मांगने लगते हैं, लोगों को जरा सा हो जाए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मांगने लगते हैं। उनको सही दिशा और सही गाइडेंस देना, ये भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर से मिलाना, उनके भय को निकालना, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, अभी परसों का ही है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है, हमने उनको, मेरे पास एक दिन अचानक ही मैसेज आया कि मेरा नाम, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, सार्वजनिक नहीं करना चाहता, देयर वॉज अ लेडी, कि मुझे 4 भोजन घर पे मिल सकते हैं क्या। और वो पॉश इलाके से था, मुझे लगा कि जरूरत होगा, तो मैंने अपनी टीम को कहा कि इनको आप भोजन दे दीजिए, पहुंचा दीजिए। हमने 1 हफ्ता 10 दिन उनको भोजन दिया, उसके बाद हमने भोजन देना बंद कर दिया, तो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया दोबारा से, और परसों उन्होंने कहा कि मेरे पास एक घर में सिलेंडर है, क्या आप इसको सेल करवा देंगे। अब जब उन्होंने ये कहा कि सिलेंडर सेल करवा देंगे, तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने उनको कहा कि तो आपने क्या किया। हमने उनको, शायद उनको 5-6 हज़ार रुपए की दवाएं खरीदनी थी। मैं उस अपने साथी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जाकर के वो दवाएं देकर के आए, और उन्होंने कहा कि हमें सिलेंडर की जरूरत नहीं है। तो कुछ मध्यम वर्ग परिवार ऐसे हैं जो ना कुछ कह सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनकी स्थिति ज्यादा विकट है, और ना ही वो समाज में बता सकते हैं, और ना ही किसी को अपना दुख बांट सकते हैं। तो ऐसे परिवारों की चिंता करना, क्योंकि वो किस दिशा में जा सकते हैं ऐसी स्थिति में, मुझे लगता है एक बड़ा काम समाज को संभालने का है। ये काउंसलिंग का जो काम है, एक बड़ा काम है। लोगों के मन में जो तस्वीर जिन्होंने देखी है कि जिनके सामने उनकी माँ नहीं रही, जिनके सामने उनके भाई नहीं रहे, जिनके सामने उनके पिता चले गए, जिनके सामने उनका भाई चला गया, तो ये काउंसलिंग जो है ये भी एक अपने आप में बड़ा काम है आफ्टर कोविड। और तीसरा, जो आपने कहा कि कॉम्प्लीसेंसी हमको नहीं करने की जरूरत है, हमने अगर बिल्कुल जरा सी भी लापरवाही बरती, हमने जरा सी भी सावधानी से हम हटे, असावधानी हमने की, तो तीसरी लहर एकदम हमारे आने के लिए तैयार है। ये हम ही होंगे जो तीसरी लहर को रोक सकते हैं, ये हम ही होंगे जो तीसरी लहर को आने आने के लिए सहायक हो सकते हैं। तो इसलिए जो बार बार डॉक्टर्स कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारे को मास्क, हमारे को हाथ में ग्लव्स, या हाथों को धोना, या समुचित दूरी बनाए रखना, मुझे लगता है कि ये आम नागरिकों की जिम्मेवारी ज्यादा है। सरकार कोई बहुत कुछ, सरकार का जो रोग है, सरकार तो काम करेगी। हाँ वैक्सीनेशन के बारे में जो लोगों को जिस प्रकार की भ्रांतियां दी गई,
तो वैक्सीन लोगों को लगाने की जरूरत है, तभी हम इस थर्ड वेव से अपने आप को बचा पाएंगे। तो अब आगे आने वाले जो समय, उसमें आपको क्या लगता है कि किन किन चैलेंजेस का सामना हर उस इंसान को पड़ सकता है जो समाज में सेवा का काम कर रहा है आगे बढ़ के इसमें, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज में बहुत आगे बढ़कर के आगे आए हैं, हर जी स्तर पर जिसका जितना सामर्थ्य था उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज्यादा समाज में अपने योगदान देने का पूरी तरह से प्रयत्न किया है और योगदान दिया भी है। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में हमारे भारतीय संस्कृति के जो संस्कार हैं, हमारी जो निष्ठाएं हैं, हमको जो हमारे धर्म ने सिखाया है, तो शायद उसी का कारण है कि अगर कोई विपत्ति आती है, कोई आपत्ति आती है, तो लोग हाथ खोल करके खड़े हो जाते हैं। विसंगतियां हर समय में होती हैं, हर समाज में होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत पॉजिटिव हूं और इसलिए समाज ही इसको संभालेगा, समाज इसमें लोगों को एजुकेट भी करेगा, लोगों को परिवारों को संभालने का काम करेगा। जहां जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जहां उनको आर्थिक जरूरत है, उसकी चिंता हम करेंगे। जो बच्चे हैं, जो जिनको पढ़ाई जिनकी ना रुक जाए, उसकी चिंता भी करने की जरूरत है। कुछ लोगों के रोजगार चले गए तो उनको रोजगार के अवसर छोटे ही सही, कम ही सही, ये भी कराने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। लगातार उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, लगातार एक संवाद समाज के बीच में, कि इस संवाद नहीं होने के कारण कोई अवसाद में तो नहीं जा रहा है, कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। ये अड़ोस पड़ोस में सबको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार बड़े शहरों की दिक्कत है कि आपस में कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं चलता कि उसके घर में क्या चल रहा है, क्या समस्या है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा खुल के अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी जानकारी को बढ़ाए रखने की जरूरत है कि मैं बाहर तो सब कुछ करता रहूं, लेकिन मेरे घर के बगल में ही, मेरे घर में ही कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो समाज को ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और समाज मुझे लगता है कि रखेगा भी, और इसलिए हमारी जो पॉजिटिव जो एक एनर्जी है, पॉजिटिव भूमिका है, उसको निभाएंगे तो हम सब ठीक रहेंगे निश्चित रूप से। वेरी नाइस। तो सतीश जी बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छा मुझे मतलब पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और आगे भी मतलब उम्मीदें और ज्यादा हो जाती हैं। असल में आप जैसे लोगों से हम लोगों को उम्मीद और ज्यादा हो जाती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे को आइडियाज आते ही गए। अभी हमने, मैं बताना भूल गया, हमने एक 20 जगहों पर एक मेडिसिन बैंक, बैंक तो बड़ा शब्द मैं बोलता हूँ लेकिन बैंक एक नाम है, हमने एक प्रयास प्रारंभ किया। जी। और आप यकीन मानिए कि आज हम जो 50 और 100 लोगों को मेडिसिन जो हमने उत्तरांचल में भेजी है, वो लोगों ने डोनेट की है। हमने लोगों से आह्वान किया है कि आपके घर में जो बची हुई मेडिसिन है उसको आप घर में मत रखिए, उसको आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, वो दूसरे लोगों के काम आ सकती है। तो ये एक अभियान भी हमारा बहुत सक्सेसफुल, और समाज ने किया, हमने 20 जगह बॉक्स रखे, लोगों ने हमको परचेज करके मेडिसिन भेजे हैं। बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन सी है, पैरासीटामोल है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन लोगों ने हमको खरीद खरीद करके भेजे हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं आपके घर से अगर, और दूसरा मुझे लगता है, मैं आज देख रहा था कि मुझे किसी का मैसेज आया कि आपके ग्रुप पर तो सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, तो मैं सहयोग, मैंने कहा आपका 500 रुपए का सहयोग भी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सवाल 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 क्वांटिटी का नहीं, सवाल आपकी भावना का है, आपके 100 रुपए, आपकी दवाई दी हुई दवाई, आपका दिया हुआ आटा, आपका दिया हुआ चावल, आपका दिया हुआ कुछ भी, ये समाज में एक बहुत बड़े घाव को भरने का काम कर रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए सबको। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस आप और बहुत सारे लोग इसी तरह अनवरत चलते रहें और कुछ ना कुछ करते रहें, तो आई एम श्योर हम सब मिलके एक दिन कोरोना को बिल्कुल अलविदा कह देंगे। निश्चित रूप से, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा, और आपने मुझे पहले कहा था, मैं बहुत दिन से, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे पिताजी का देहावसान हुआ, इसलिए मैं उस समय नहीं कर पाया, और आज मेरा आपसे बात हुई, अच्छा लगा। कुछ कुछ विषयों पर आपने हमसे पूछा, और आप तो स्वयं सोनभद्र और भदोई की तरफ से, उसी तरफ से हैं आप, बनारस की तरफ से, तो हम तो देखिए कि हमको तो राम जी ने अयोध्या में बुलाया और काशी में शिव जी महाराज भगवान जी ने बुला लिया, तो हम दोनों जगह चले गए और वहां जाकर के हम सेवा का काम कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत। और यही हमारी कोशिश है कि जहां भी जो हमसे कहेगा, जितना हमसे बन पड़ेगा,
और मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरा आह्वान भी है, आप जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, आप जो भी कर सकते हैं, अगर किसी एक को भोजन भी दे सकते हैं, अगर एक की आप मानसिक सहायता भी कर सकते हैं, अगर एक को आप कुछ काम उसका करवा सकते हैं, तो हम जिस परिस्थिति में हैं, मैं वहीं किसी न किसी की सहायता जरूर करनी चाहिए, कि समाज के हम अंग हैं और एक समाज को वापस देना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।